अगर आप 2023 के अंदर अपने बच्चे को अन्नप्राशन कराने वाले हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की संपूर्ण जानकारियां आपको हम दे चुके हैं। आज हम खासकर बात करेंगे फरवरी महीने की। फरवरी माह में कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं जब आप अपने बच्चे को पहली बार अन्न आप उसको खिलाएंगे यानी अन्नप्राशन संस्कार करेंगे। हालांकि ये कोई सामान्य मुहूर्त नहीं है, षोडश संस्कारों के अंदर अन्नप्राशन भी एक शुभ मुहूर्त आता है जो हम बहुत अच्छे विधि विधान के साथ करते हैं। क्या इसके नियम होने चाहिए, कैसे कैसे हम इस अन्नप्राशन के दिन इसको सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं एक अलग से कार्यक्रम में दे चुका हूं। आज हम फरवरी माह के अंदर इसकी जो डेट्स हैं वो आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं, जो पंचांग से ही स्पष्ट मुहूर्त है वो मैं आपको दे रहा हूं। कैसे बच्चे को अन्नप्राशन करना चाहिए, क्या इस दिन पूजा होती है, ये सारी जानकारियां मुहूर्त आदि की भी मैं आपको बता चुका हूं। फरवरी माह के अंदर अगर हम अपने बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले उस दिन उस बच्चे के जन्म राशि के आधार पर आपको जो है चंद्रमा का गोचर देखना है, वो चौथे आठवें और बारहवें में नहीं होना चाहिए। और एक शुभ लगन का चयन करके, क्योंकि बच्चे को आप पहली बार अन्न खिला रहे हैं, उसके स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और हर चीज का जो विकास होने वाला है वो अन्न से होगा। और वो अन्न आप एक बहुत अच्छे समय में, क्योंकि अन्न भी ब्रह्म है और वह ब्रह्म जागृत हो, आप उस अपने बच्चे को अच्छा हृष्टपुष्ट, अच्छा बुद्धिमान, विवेकमान ये सब बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छे समय में उसको अन्नप्राशन कराइए, तो अच्छे लगन में कराइए। यहाँ पर फरवरी के अंदर जो मुहूर्त हैं वो 3 फरवरी माघ का जो अति शुभ महीना माना जाता है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शुक्रवार के दिन 3 फरवरी पुनर्वसु नाम के अंदर जो है आप अपने बच्चों को अन्नप्राशन कराएं। दूसरा मुहूर्त यहाँ पर सीधा 22 फरवरी को रहने वाला है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीय तृतीया तिथि बुधवार का संयोग रहेगा, बहुत ही अच्छा श्रेष्ठतम मुहूर्त है। उसके बाद अग्रिम जो मुहूर्त है वो 24 तारीख को बन रहा है, जो शुक्रवार पंचमी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अंदर बन रहा है। यह मुहूर्त यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है जो पंचांग से परिशोधित दिए गए मुहूर्त कम है, लेकिन आप इसके अलावा अपने बच्चे की कुंडली को दिखा करके एक अच्छे मुहूर्त का और भी चयन कर सकते हैं अगर इसमें समय नहीं बन पा रहा है।